सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बुराई भी होने जरूरी है क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। नजर अंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करती हैं, क्योंकि वो उसी जगह रहने लायक हैं आपके पीछे। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसके विचारों का समूह होता है, जो वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। आज का पंचांग 30 मई 2023 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 1:08 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 6 बजे तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:38 से 5:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। धनुराशि 30 मई 2023 दिन मंगलवार, आज आप खुद को उलझन में फंसा हुआ महसूस करेंगे। अपना भला चाहने वाले लोगों से उन चीजों के बारे में भी खुलकर बातें करें जो आपको परेशान कर रही है। अनिश्चितता के बादल एक दिन में छट जाएंगे। किसी परिजन या अंतरंग दोस्त का साथ मिलेगा बोलते हुए शवाधार रहें। किसी को आपके शब्दों से गलतफहमी हो सकती है। कार्यस्थल पर स्थायित्व भी बना रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए काफी यात्रा की लागत में दिन ब दिन बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफी मजबूत है, जो आपके खिलाफ मुख्य हो रही है, जो आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है। लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्द ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति भी चलती रहेगी। आज के दिन आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। संतान के करियर को लेकर आप अपने जीवन साथी से बातचीत भी कर सकती हैं। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने माता पिता या सीनियर से बातचीत करनी चाहिए। बिजनेस में अचानक कोई नई पार्टी आपको बड़ा ऑर्डर दे सकती है और इससे आपके काम में तेजी आएगी। व्यवस्था किसी न किसी तरह से बनी रहेगी। घर परिवार में हंसी और मस्ती का माहौल रहेगा। पति पत्नी के मध्य रूठने और मनाने का खेल चलता रहेगा। सावधानियां, एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्यग्रता बढ़ेगी, फिर भी आपको अपने जरूरी कामों को समय रहते निपटाना होगा। गृहस्थ जीवन में यदि कुछ समस्या चल रही है तो उनसे भी आज आपको निजात मिल सकती है, परंतु कोशिश ज्यादा करनी होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी किसी आकर्षक अजनबी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है। आप आसानी से अपनी मीठी बातों और आकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींच पाएंगे और उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे संबंधों को किसी रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद मत कीजिए। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की जरूरत नहीं है। फ्लर्ट का मौसम है और आप अभी इसका मजा ले सकती हैं। बात करते हैं करियर की। करियर के मामले में इस राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक कार्यों में सफलता देने वाला है। आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं और सभी कार्यों में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। काम धंधे से संबंधित कार्यों में आकस्मिक धन लाभ होगा और मुनाफा बढ़ेगा। आप नौकरी और बिजनेस दोनों में अपने टारगेट को पूरा करेंगी। बात करती हैं सेहत की। स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो सब ठीक रहेगा, परंतु दवा के मामलों में कोई लापरवाही करना आपको भारी पड़ सकता है। उपचार एवं परहेज संबंधी कोई भी लापरवाही ना करें। आपको ऐसी किसी बीमारी के अस्पष्ट लक्षण महसूस हो सकते हैं जो आपको आज से पहले कभी नहीं हुई। रात से पहले आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्या है। आपको खुद पर और अपनी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल यह समय आपके लिए खुद को संवारने के लिए बिल्कुल ठीक है। अपने आप को जितना आकर्षक बना सकते हैं बनाएं।
आज का उपाय। शाम को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आज शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।